हेलो माय लवली ऑडियंस, कैसे हैं आप सब लोग? गाइस, जैसा कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ रोज वाटर। गाइस, दूसरे प्लांट्स की तरह मेरे गार्डन में रोजेस भी लगे हुए हैं, तो मैं यहाँ से ये रोज पिक करूँगी और फिर मैं आपको सिखाऊंगी कि रोज वाटर कैसे बनाते हैं। इसमें से कुछ फूल जो हैं वो जल चुके हैं, लेकिन एक फूल रह गया है, तो मैं ये पिक करके आपको रोज वाटर बनाना सिखाती हूँ। ओके जी, ये देखिए मैंने रोज जो है वो तोड़ लिया है, और अगर आप मेरे गार्डन टूर देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। फूल की पत्तियों को अब मैं अलग अलग करूंगी। गाइस, एक और बर्तन में फूलों की पत्तियों को डालकर अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे ताकि इनमें कोई भी गंद वगैरह ना रहे। उसके बाद इनको स्टेनर में डालें ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाए। अब हम एक बेचकी लेंगे और उसमें 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे। गाइस, मैंने एक बड़ा फूल लिया था और उसके मुताबिक मैं 2 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आपका छोटा फूल है तो आप 1.5 ग्लास भी पानी ऐड कर सकते हैं। फ्लेम ऑन कर दिया है और उसके बाद हम वो पत्तियाँ इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से कवर करके तकरीबन 10-15 मिनट के लिए पकने देंगे। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि जो पत्तियाँ हैं उन्होंने अपना रंग छोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी हम इसको 10 मिनट और पकाएंगे ताकि पत्तियां अच्छी तरह से अपना रंग छोड़ दें। ये देखिए गाइस, पत्तियों ने अपना अच्छी तरह से कलर छोड़ दिया है। अब हमारा ये इजी तरीके से रोज वाटर तैयार हो चुका है। अब हम चूल्हा बंद करेंगे और उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। गाइस, रोज वाटर को डालने के लिए मैंने ये एम्प्टी ग्लास बॉटल ली है। ये एक्चुअल में वाटर बॉटल थी, लेकिन मैं इसमें रोज वाटर डालूंगी। आप चाहें तो आप एक स्प्रे बॉटल भी ले सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई ग्लास जार भी यूज कर सकते हैं। हमारा रोज वाटर ठंडा हो गया है, अब हम इसको बॉटल में डालेंगे। गाइस, ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाया गया है, इसलिए आप इसको 2 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए गाइस, हमारा फ्रेश होममेड रोज वाटर तैयार है। गाइस, मैंने एक वीडियो डाली थी स्किन टाइटनिंग की, जिसमें आप लोगों ने पूछा था कि हम हनी के अल्टरनेटिव क्या यूज़ करें, तो आप रोज वाटर यूज़ कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें एंड कॉमेंट करें। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, बाय।